आईआईटी के जो प्रोफेसर होते हैं उनके सैलरी कितना होती है? स्टार्टिंग सैलरी में बात करूंगा, बिकॉज वो एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता है सैलरी उनका बढ़ता है। तो स्टार्टिंग सैलरी कितना होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट। सेकंड, अगर आपको प्रोफेसर बनना है आईआईटी में तो आपको क्या करना चाहिए सेकंड, एंड थर्ड कि उस कंक्लूजन पार्ट भी बताऊँगा आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारा चीज़ हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहली बात, जो प्रोफेसर होते हैं आईआईटीज़ में उसमें प्रोफेसर उसमें कैटेगरीज होता है, एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा होता है एसोसिएट प्रोफेसर और तीसरा क्या होता है प्रोफेसर। अगर फुल टाइम की बात करूं, बिकॉज बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में जॉब लगता है बहुत सारों का आईआईटीज़ में एनआईटीज़ में भी लगते हैं, तो उनका सैलरी वेरी करता है बहुत ज़्यादा, फ्लैक्चुएट करता है, डिपेंड करता है वो, राइट। अगर आप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट की बात करो जो फुल टाइम हायर होते हैं तो उनके सैलरी इतना होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनके सैलरी अबाउट 90,000 होता है। अगेन हर आईआईटी का अलग अलग होता है लेकिन 90,000 के आसपास होगा, आप 5-10,000 टॉलरेंस लेके चल सकते हो, मतलब कहीं 5,000 कम तो कहीं 5,000 ज़्यादा। और जो मैं बता रहा हूँ ये लगता है मैक्सिमम है, इससे कम ज़्यादा थोड़ा ही होता होगा 1-2,000, बट इससे कम ही मिलता है, लगभग 2-4,000 कम मिलते होंगे, राइट। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो आपका एसोसिएट प्रोफेसर है उनका सैलरी है लगभग 1,30,000 के आसपास, और जो आपका प्रोफेसर होते हैं उनका सैलरी होते हैं लगभग 1,42,000 के आसपास, 1,42,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी है। ये सैलरी होता है गाइस, इसके अलावा भी बहुत कुछ पर्क्स मिलता है। फॉर एग्जांपल, जो आईटी के प्रोफेसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रिसर्च वर्क में, और रिसर्च वर्क जाहिर सी बात है इंडिया में इतना ज़्यादा अभी है नहीं, तो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं कॉन्फ्रेंस में कुछ काम के लिए, तो वो जब जाते हैं रहते हैं खाना पीना बहुत खर्चा होता है, उसका भी लगभग आपको रिइम्बर्समेंट मिल जाता है, मतलब इंस्टीट्यूट आपको पे कर देती है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर मान लो आप साल में 3 बार जाते हो यूएस ट्रिप में, तो आपका खर्चा 3 बार में कम से कम 8-10 लाख हो जाएगा, 8-10 लाख तो होगा कम से कम, तो वो कौन देगी, आपको वो इंस्टीट्यूट देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है जो रिसर्च वाले क्या करते हैं ऐसे का, मतलब जो आईआईटीज़ के प्रोफेसर होते हैं उनको ये फैसिलिटीज़ उनके फ़ायदा मिलता है, राइट। इसके अलावा बात करो गाइस कि इसके वाला और क्या फ़ायदा मिलता है जो आईआईटीज़ के प्रोफेसर, देखो एक तो घर रहना का अच्छा रहता है उनका, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ रहते हैं, उसके बाद एजुकेशन फैसिलिटीज़ रहते हैं उनके बच्चों के लिए, और अच्छा कैंपस मिल जाता है शांत इलाका में, राइट, हॉस्पिटल मिल जाता है वहाँ पर, तो ये सारे फैसिलिटीज़ आईआईटीज़ के प्रोफेसर को मिलते हैं। प्लस इज्जत, जो आपका जो स्टेटस है बड़ा शानदार का रहता है, राइट। ये था कि आईआईटीज़ के प्रोफेसर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि इसके अलावा और क्या मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैन दैट थिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसके अलावा और क्या मिलता है जी, और कुछ खास नहीं मिलता है, यही मिलता है आपको, टाइम मिलता है। वो खास बहुतों के लिए होगा, मेरे लिए तो है, आपके लिए है या नहीं है मुझे नहीं पता। टाइम ऐसे ही मिलता है, देखो जो आईटीयर्स होते हैं आईटी में जॉब करते हैं वो रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनका जो वर्कलोड होता है पढ़ाने का वो बहुत कम होता है, वीक में 10-12 घंटे होते हैं, बाकी टाइम वो क्या करते हैं लैब्स में वो रिसर्च करते रहते हैं, और उनको ये टाइम मिलता है उनका जो पैशन है उस पर काम करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होता है। लोगों को टाइम नहीं मिलता है अपने पैशन के लिए काम करने के लिए, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में काम करते हैं, इवन उनका मिलियन रुपीज़ में इंडिया में उनका सैलरी है, उनको देखा वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आईआईटी प्रोफेसर को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस कि आईआईटी के प्रोफेसर आपको बनना कैसे, हाउ यू कैन बिकम प्रोफेसर इन आईआईटी। तो पहले अगर आप 12th में हैं तो ट्राई टू क्रैक जी एडवांस एंड गेट इनटू आईआईटी फॉर बीटेक फर्स्ट। सेकंड, आपको क्या करना है, अगर आप मान लो बिना आईआईटी से बीटेक कर रहे हो, एनआईटी से कर रहे हो, किसी और कॉलेज से, तो नो प्रॉब्लम, बीटेक अगर नहीं किया आपने नो प्रॉब्लम, फिर भी काम चलेगा। आप अगर आप किसी और कॉलेज से बीटेक कर रहे हो कि सेकेंड टीयर थर्ड टीयर फोर्थ टीयर किसी भी कॉलेज से जो AICTE अप्रूव होना चाहिए, आप गेट का प्रिपरेशन करें, अच्छे मार्क्स लाएं, IIT से MTech करें, और फिर PhD करने के लिए आउटसाइड इंडिया चले जाओ किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, टॉप 100 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। आप सिंगापुर में जा सकते हैं, एक सिंगापुर में आई थिंक नेशनल करके NSU करके कोई यूनिवर्सिटी है सिंगापुर में, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से PhD कर सकते हैं, हार्वर्ड से कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड से कर सकते हैं, MIT से कर सकते हैं, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करके आओ टॉप 100 में से, राइट। तो आपको IIT में प्रोफेसर लगना बड़ा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो बोलते हो सर आई डोंट वॉन्ट टू गो आउटसाइड, क्या मैं IIT में पढ़ के IIT में पढ़ा सकता हूँ, हाँ कर सकते हो।
जो पुरानी IITs हैं, IIT खड़गपुर हैं, IIT कानपुर हैं, दिल्ली है, गुवाहाटी है, मुंबई है, मद्रास है, इनसे आप PhD करें और जो नया IIT खुल रहे हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, NIT में अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए और आपको प्रेफरेंस मिलेगा, राइट। ये जरिया होता है IIT के प्रोफेसर बनने का। ये स्टेप्स मैं आपको नहीं बोलूँगा, बड़ा सिंपल है, थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन आफ्टर बिकमिंग प्रोफेसर इन IIT क्या होगा शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, बट आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड यू कैन से दैट ही इज़ वर्किंग इन सच इंस्टीट्यूट्स एज अ प्रोफेसर, सो आई नो वट दे आर हैविंग, और मुझे पता है जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके पास क्या नहीं है। मैं किसी को बुरा और भला नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने रियलाइज करा। सबके लिए अलग अलग होता है प्रायोरिटी, किसके लिए खाली पैसा ही होता है सब कुछ, फैमिली मैटर नहीं करता, लेकिन भाई जिसके लिए मैटर करता है कि मैं फैमिली को भी टाइम दूँ, अपना भी बैलेंस बना के रखूँ, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ IIT में नहीं, किसी कॉलेज में आप अगर आप फुल टाइम गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर लगते हो, इवन NIT में, तभी आपका लाइफ काफ़ी अच्छा रहता है, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इवन गवर्नमेंट कॉलेज में, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने टीचिंग के बारे में बात कर रहा था, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग में है, तो अगला मैं सीरीज़ जो भी वीडियोज़ ला रहा हूँ अभी, काफ़ी सारे वीडियोज़ लाने वाला हूँ टीचिंग के ऊपर, नॉट ओनली फॉर यूनिवर्सिटीज़, नॉट ओनली फॉर कॉलेज, इवन फॉर स्कूल। बहुत सारे को पता नहीं होगा, आपको बता दूँ, स्कूल में काम करते हैं उनका पैकेज 1.5 करोड़ भी होता है। आई नो देम, आई टॉक टू देम, राइट। तो ये बहुत सारे को नहीं पता होगा, बट आई नो देम, दैट्स आई एम शेयरिंग विथ यू। बट ये सारे सीरीज चलता रहेगा, मुझे बताएं क्या आपको चाहिए इंफॉर्मेशन टीचिंग से रिलेटेड, आई विल ट्राई टू शेयर सच इंफॉर्मेशन, दैट्स वाई यू विल कम टू नो व्हाट इज दिस एंड ऑल्सो यू विल कम टू नो हाउ यू कैन बिकम दिस और बिकम दैट। जैसे प्रोफेसर में क्या सैलरी क्या होता है आपको बताया मैंने, और कैसे बनोगे भी आपको बताया मैंने, बड़ा कमाल का चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे बनना भी है, राइट। चलो, सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो भाई, शेयर करो दोस्तों का, जरूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो जो भी आपका प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियोज़ फॉर योर प्रॉब्लम्स, राइट। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।